गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सभी को कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करते हो कि आप सभी ना बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कवर हिमाचली स्पेशल पे। तो देखिए जी, आज सोमवार का दिन है और अभी 10 बज चुके हैं सुबह के। तो जो मेरा काम होता है ना किचन का, वो मैंने कर लिया है, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है, बर्तन जो है वो मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। मैं ना पहले कपड़े लगी थी धोने को डालने, तो वैसे तो कल संडे को भी कपड़े धुले थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है जो वो धुली थी, लेकिन मैंने फिर कल और कपड़े निकाले हैं, पापा जी के कपड़े जो वो निकाले हैं, और मम्मी के जो कपड़े हैं वो मतलब जाने आने वाले होते हैं ना जो बाजार जाने के, वो निकाले हैं। तो 2 सूट मम्मी के थे और 4-5 पापा जी के थे, तो वो निकाले। अभी मुझे करना है हेयर वॉश। सार्थक, नैना सबको मैंने सुबह नहला दिया था, नैना चली गई है स्कूल, धैर्य भी चला गया है स्कूल, नैना को लेके धैर्य उसके पापा चले गए हैं। और अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, साथ में मैंने सोचा कि चलिए कुछ बालों की केयर भी कर ली जाए, क्योंकि ना काम के बीच में ना हम अपनी सेल्फ केयर जो होते हैं ना वो भूल ही जाते हैं। और अगर तो आप गाँव में रहते हैं, आपका पशुओं का और सारा मतलब खेत वगैरह, खेत में चलो इतना नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है, तो अगर वो काम है तो फिर तो आप भूल ही जाइए। तो मैंने सोचा कि चलिए साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। अभी मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए हैं धुलने के लिए, और साथ में मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। मैंने सोचा बालों के लिए कुछ लगाती हूँ बालों में पैक, क्योंकि बाल जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से झड़ रहे हैं, और अभी जो है थोड़े झड़ने बंद हो गए हैं वैसे, जब से मैंने थोड़ी सी केयर करनी शुरू करी है इनकी दोबारा से, नहीं तो मैं बिल्कुल ही केयरलेस हो गई थी, कुछ भी नहीं बालों में है ना यूज़ ही नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा ऐसे ही बना देती हूँ। तो वैसे तो मैं कोई वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं उसको ना, कि हाँ आप ये लगाइए वो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मतलब अपने उससे पैक बना के लगाती रहती हूँ बालों में, कभी कुछ लगा लेती हूँ कभी कुछ लगा लेती हूँ जो मुझे इजी लगता है। तो कभी मैं प्याज का रस लगा लेती हूँ, आज मैं क्या लगा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। बालों में इतना पसीना आता है ना आजकल, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। तो चलिए बना लेते हैं पैक की क्या बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने लिया हुआ है एलोवेरा, तो ये घर में ही लगाया है ना मैंने गमले में, एलोवेरा लीफ लिया हुआ है यहाँ पे, और ये ले लिया मैंने अपना चॉपर। तो चॉपर में ना मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दूँगी। आज मैं एलोवेरा का पैक लगाने वाली हूँ, तो इसको छिलका वगैरह कुछ नहीं निकालना, इतना टाइम नहीं होता है और इतना कोई इसका वो नहीं होता, मतलब सोचे ना अगर कि नुकसान होगा या कुछ ऐसा होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लूँगी इस तरह से, और बस अभी इसमें मैं थोड़ा सा ना पानी ऐड करूँगी। वैसे तो इसमें नींबू डलता है लेकिन नींबू अभी है नहीं भाई, थोड़ा सा मैंने डाल दिया यहाँ पे पानी। इसमें ना नींबू डलता है लेकिन नींबू है नहीं आजकल, अभी जो है ना फ्लावरिंग होने के बाद छोटे छोटे हैं बिल्कुल लगे हुए नींबू, और अभी मैं इसको कर लेती हूँ। इसमें कर लिया है मैंने, ये देखिए इस तरह से ना इसका जो है सारा का सारा वो निकल जाएगा। अभी थोड़ा सा और कर लेती हूँ, ये देखिए काफ़ी जो है इसका निकल चुका है। देखिए तो ये देखिए काफ़ी सारा जो है ना इसका पल्प, ये देखिए निकल चुका है जो इसका होता है जेल। और अभी इसको मैं बस डायरेक्ट ऐसे ही बालों में अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा इसको और मसल देती हूँ ताकि अगर कुछ बचा हुआ हो ना इनमें अंदर तो वो भी निकल जाए, थोड़ा सा इसको और मसल लूँगी। तो एलोवेरा जो होता है ना हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है हर चीज़ के लिए, और मुझसे मेरे सब्सक्राइबर कहते भी हैं कि आप अपना कुछ इस तरह का रूटीन दिखाइए कि आप किस तरह से मैनेज करते हो बच्चे, यूट्यूब और साथ में घर का काम, क्या बच्चों के लिए आप हेल्दी बनाते हो, किस तरह से मैनेज करते हो सारे काम। तो देखिए जी, बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना सारा कुछ। हाँ जी, मठा जा तो सुबह नहा दिया, सुबह नहा दिया, और पापा जी आ चुके हैं पानी लेके, अभी नहाने की तैयारी हो रही है अब। तो ये इस तरह का हो जाएगा, देखिए ये इस तरह का, और ये बिल्कुल रेडी है अभी यूज़ करने के लिए। तो इसको मैं अपने बालों में अप्लाई करने वाली हूँ। तो
तो पिछली बार जब मैंने हेयर वॉश किया था ना, उस टाइम मैंने जो कर्ड होती है ना दही, उसका पैक लगाया था, और आज मैं लगाने वाली हूँ एलोवेरा का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसको हमें ना इस तरह से जड़ों जड़ों में लगाना है अपने, ये देखिए इस तरह से। पूरा अपने बालों में, और अभी इसको ना मैं इधर से रोशनी आ रही है तो अभी इसको ना मैं आधे घंटे के लिए सिर में रखूँगी। उतनी देर में ना मैं अपने बाकी के काम जो है मेरे वो निपटाऊँगी। तो पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। आजकल ना गर्मी है बहुत ज़्यादा, और इसमें गर्मी लगती है अगर खुले रहते हैं तो बालों का बना लिया है मैंने जूड़ा। तो बालों में पैक तो लगा लिया, और यहीं पे मैं साथ में ना चॉपर जो है उसको धो के रख दूँगी, क्योंकि जो काम साथ के साथ निकल जाए ना वो हो जाता है, और अगर ऐसे ही पड़े हुए रह जाए ना चीज़ें तो फिर रह ही जाती हैं। तो बस साथ साथ ही इसको भी मैंने क्लीन कर लिया। अब उन कहाँ से लगा आपको, हाथ में है कहाँ से? चलो हैंड वॉश करो, अभी बर्तन धोने मम्मा ने। यहाँ देखो लो हैंड वॉश। छाँव में खेलो आप, ठीक है? तो बाहर नलके के पास ना मैं बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोने के बाद ना यहाँ पे सार्थक जो है वो उसके हाथ साबुन लग गया, और वो साबुन में खेलने लग गया था। तो यहाँ पे मैंने उसके हाथ धुलाए, और उसके बाद सारे के सारे बर्तन जो है वो सेट करके रख दूँगी। तो ये मैं ना अभी सेट कर देती हूँ, ऐसे बिखरे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। ये सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन के पास। तो इसमें ना एक राउंड जैसे होता है ना घूम रहा है अभी, जो एक स्लॉट घूमता है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लगी हूँ कपड़ों को धोने के लिए। तो जो ज़्यादा मैले होते हैं ना उनको साबुन लगा के धो देती हूँ, और ऐसे ही खड़े खड़े ही धो देती हूँ यहाँ पर मशीन पर ही, जो ये स्पिनर वाला होता है ना उस पे, उसके ऊपर रख के बस यहीं पे साबुन लगा के इसको धो देती हूँ। तो ये जो है वो पतिदेव का है शायद कुर्ता पजामा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो नाइट सूट होता है ना वो है। तो ज़्यादातर इन्हीं के कपड़े हैं धोने को, मेरा तो इसमें कोई सूट नहीं मिलेगा आपको धोने को। तो कपड़े धोने का ऐसा है ना कि जो अच्छे अच्छे बार होते हैं ना उन तीन चार हफ्तों में तीन चार दिन आते हैं, जैसे सोमवार है और फिर बुधवार है, शुक्रवार है, और साथ में फिर संडे तो होता ही है। तो इन दिनों में तो कपड़े ही धुलते हैं ज़्यादातर, मतलब धुलते ही धुलते हैं, चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों। और फिर मैं ना ऐसा नहीं करती कि सारे एक ही दिन धोती हूँ, क्योंकि फिर ना और काम के साथ ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दिन में तो फिर पूरा दिन लग जाता है कपड़े धोने में ही, तो बाकी सारे काम जो है वो छूट जाते हैं। और छोड़ नहीं सकते उन कामों को, क्योंकि जो ज़रूरी हैं डेली करने के हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। तो डेली के काम तो होते ही हैं, ये एक्स्ट्रा काम और होता है। तो इसलिए मैं ना मतलब दूसरे तीसरे दिन के धो देती हूँ कपड़े साथ के साथ थोड़े थोड़े। तो जितनी देर में मैंने अपने बालों में एलोवेरा का पैक लगाया हुआ है, तो बस उतनी देर ही ना मुझे, मतलब आधे घंटे से तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, बाल जो है वो सूख भी गए थे तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था यहाँ पे मुझे कपड़े धोते हुए। लेकिन ये है कि कपड़े भी धुल गए, पैक भी लग गया, साथ में सफाई भी हो गई, सारा काम हो जाता है मतलब इस तरह से। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा, ऊपर कर झंडा ऊंचा रहे हमारा। गाइस ये देखिए ये क्या किया मेरी बहन नैना ने, देखिए क्या कर दिया मम्मा के सर में झंडा लगा दिया इसने, और अब ले लिया क्योंकि इसकी वीडियो बनाने लग गए हम, तो भाग रही है अब झंडा लेके। और गाइज ये चूल्हा जो आप देख रहे हैं ये टूट चुका है अब, और इसे तीन साल, पूरे तीन साल टिका था, ये तीन साल तक ये ठीक था, अब जाकर ये टूटा है। आज तक हमारा कोई इतना चूल्हा नहीं चला जितना ये चल पड़ा, मैंने आज तक हमारा कोई ऐसा चूल्हा नहीं देखा जो कम से कम दो तीन साल ज़्यादा टिक सका हो, दो साल ज़्यादा, ये तो तीन साल टिक चुका है। बड़ा ही खतरनाक चूल्हा बनाया था, और ये कनस्तर भी अब टूट ही गया है बड़े पर से, इससे के पीछे से देखे इतने बुरे हाल हो गए, इसमें दिन रात आग जलती है गर्मियों के टाइम में, तो सर्दियों में जलती है। हाँ सर्दियों में अगर बारिश ना हो रही हो तो, क्योंकि बंदर तब बहुत सारा धुआं भी हो जाता है गर्मियों के टाइम में, और अगर मान लो जल्दी खाना बनाना तो इसमें भी लगानी पड़ती है आग। ये टूट गया, अब ये क्या यहाँ की तरफ का साइन लगाओगे क्या? लगाना नहीं है क्यों?
ऐसा ही ठीक है। निकला करेगा तो तब जब वो टूट गया आगे का। ये तो शिवलिंग टाइप शेप होगी इसकी तो, जैसे शिव जी भगवान की शिवलिंग होती है उसके टाइप की शेप होगी ये तो। बस इधर से भी थोड़ा सीधा कर दो। मट्टी लाएंगे ना फिर बनाएंगे। अभी है तो इतनी मट्टी बन जाएगा इधर का हिस्सा। अरे बेटा ये अच्छी मट्टी है, अच्छी मट्टी। तो अभी शाम का टाइम है, चाय चूहे पीने का टाइम हुआ हुआ था और मैं यहाँ पे चूल्हे की रिपेयर कर रही हूँ। तो आप सभी लोग इस चूल्हे से अच्छे से अवगत होंगे क्योंकि इस चूल्हे के ऊपर मेरे बहुत सारा मैंने खाना बनाया है, बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करी हैं। तो ये जो है बिल्कुल टूट चुका था, ये ना मैंने कनस्तर में बनाया था पहले, तो इसका आगे का हिस्सा जो है वो पूरा टूट चुका है। और यहाँ पर मेरा कैमरा मैन धैर्य जो है ना, इसने इतना कैमरा हिलाया कि क्या ही बताऊँ, वीडियो ढंग से बनाई नहीं। मैं ट्राईपॉड पर लगा रही थी लेकिन इसने फिर ले ली अपने पास को और देखिए कैसे कबाड़ा कर दिया पूरी वीडियो का। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी से इस तरह से रिपेयर करी जाती है चूल्हे की जब ये टूट जाता है। तो अभी मैं इसको नई शेप दे दूँगी क्योंकि इसका जो अगला हिस्सा है वो टूट चुका है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको खुला ही रहने दूँगी लेकिन बाद में मैंने फिर इसको बंद कर दिया था। कैसे बंद किया था वो आपको दिखाऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब मेरी मम्मा ने सोच लिया है कि चलो पुरानी शेप से दे देते हैं, नई क्यों देनी, और ये अब इसके लिए शरीर का उपयोग करेंगे। और अब मिट्टी खत्म, आज जो है ना वो सारी आगे से इसमें को निकल गई। तो गाइस अब मिट्टी कम होगी थी तो हमने सूखी मिट्टी डाली और अब डाला जाएगा पानी। इसको मैनेज किया वैसे तो ना, इसमें आगे कुछ और होती चौड़ी सी पतरी तो ज्यादा अच्छा बनता, लेकिन शरिया ही था तो इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाई है यहाँ पे। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये बनके हो गया था तैयार। तो अभी इसकी थोड़ी सी और रिपेयर करूँगी मैं ताकि थोड़ा और सुंदर हो जाए ये। ये जो लगभग है यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुका है और अभी कर दूँगी मैं इसकी ऊपर से लिपाई, क्योंकि लिपाई से ना फिर जो इसमें मिट्टी लगी है वो बहुत ही अच्छे से प्लेन हो जाएगी, एक तरह से प्लेनर का काम करेगी। ये प्लस्तर जो हो गया है ना अभी, प्लस्तर में पीछे से मैं नीरू कर रही हूँ, नीरू नहीं बोलते वो कर रही हूँ, तो ये साफ़ हो जाएगा, अच्छे से देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा पक्का भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर चूल्हे की रिपेयर हो चुकी है कम्प्लीट और व्लॉग भी हो चुका है मेरा यहीं पर कम्प्लीट। तो चलिए भाई मिलूंगी आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय माता दी, शुभ रात्रि, बाय बाय।